साथियों, रेलवे का हाई पावर कमेटी का नोटिस आ गया है ऑफिशियल, आप सभी देख सकते हैं। पहले तो आपको दिखाता हूं मैं, ये आ तारीख है 10/3/2022, ठीक है, 10/3/2022 है। और आपका रिजल्ट आज जो नोटिस आ कमेटी जो बनी थी उसका वो नोटिफिकेशन दे दिया, आपकी जो मांगे थी वो पूरी कर दी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। क्या बदलाव किए गए वो बातें हम आपसे करेंगे। ये इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का दिया है, दोनों की मांगे ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब ये कब तक लागू होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम जो ग्रुप डी की इस वीडियो में केवल बात करने वाले हैं, तो ये विल बी ए सिंगल एग्जाम। दोस्तों, आपका सिंगल एग्जाम होना था, पहले कह रहे थे CB2 भी होगा, तो देखो लेवल विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक जो बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा? जैसे आपको पता है यूपी में पेट में परसेंटाइल बेस्ड लागू हुआ है इस बार, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट लागू होगा। तो इसके लिए दोस्तों, विच इज सिंपल एंड टू इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में जो आसान भी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर बात आती है सर्टिफिकेट के लिए, तो उस पर अभी कंसीडर्ड मतलब विचार होगा, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी का एग्जाम होगा कब, ठीक है साथियों। तो CBT फॉर लेवल वन इज प्लानेड, अभी साथियों प्लान हुआ है टू हेल्ड टिंटेल्यू। क्या मतलब? इसका मतलब लगभग शेड्यूल किया है, शेड्यूल दोस्तों किया है फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवार्ड्स, ठीक है। फ्रॉम जुलाई 2022 मतलब जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम होगा। कब होगा ग्रुप डी का एग्जाम? जुलाई में होगा, ठीक है साथियों। तो ये थी केवल ग्रुप डी की जानकारी। अगर आप रेलवे इस नोटिस को पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल के अपने कम्युनिटी टैब पर इस पोस्ट को कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर आप NTPC से हैं तो उसका वीडियो मैंने पूरा एक बनाया हुआ आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं, उसमें मैंने NTPC के भी बारे में बताया है, ठीक है साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।